हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पनीर लबाबदार की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, वो भी घर के बेसिक मसालों से। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। इसमें हम डाल लेते हैं टमाटर। तो टमाटर को मैंने इस तरह से स्लिट किया है। इस तरह स्लिट करने से ब्लांच होने के बाद टमाटर को पील करना बहुत ईजी हो जाता है। तो चार टमाटर को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। लिड से कवर कर देते हैं फॉर 1 मिनट। कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 1.5 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी डालना प्रेफर करती हूँ, एक रिचनेस देता है ग्रेवी को। घी गरम हो चुका है, इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, साथ ही हमारा जाएगा 1 तेज पत्ता। बस जीरे को हम क्रैकल होने देंगे। जीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज के प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का भी यूज कर सकते हैं। तो अनियन को हम सॉटे कर लेते हैं, भून लेते हैं जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस साइड से हमारा पील बहुत इजीली उतर जाएगा। प्याज भी हमारा सुनहरा हो चुका है। तो जो टमाटर मैंने ब्लांच किया था, उसे मैंने मिक्सी में डालकर उसकी प्यूरी बना ली है, तो उसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं हमारे कढ़ाई में। टमाटर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमें टमाटर को भुनना है जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो इस प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए इसमें हम ऐड कर लेते हैं नमक। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में। अब हम इसे लिड से कवर करके 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हुए हैं ग्रेवी को पकते हुए, और मैंने बीच बीच में इसे 1-2 बार चला लिया था। आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज की क्वांटिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, ये काफ़ी भुन चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसके जाएगा 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी। इस स्टेज पर कस्तूरी मेथी डालने से वो बहुत अच्छे से भुनती है और अपना एक अलग फ्लेवर छोड़ती है। मिक्स कर लेते हैं मसालों को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए। इसे लिड से वापस से कवर करके हम पकने देते हैं। 4 से 5 मिनट हुए हैं, मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से भुन चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, और इसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दूध। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करेंगे जब तक कि हमारा ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को तेज कर लिया है, तेज फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। थोड़ी देर हुई है ग्रेवी को पकते हुए और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं पनीर के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। हल्के हाथों से पनीर को ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अब मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है, साथ ही इसके अब हम डाल लेते हैं इसमें थोड़ी सी मलाई। ये होममेड मलाई है 2.5 टेबलस्पून। आप इसमें मार्केट से क्रीम को बाय करके भी डाल सकते हैं, मैं उसे अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो बहुत अनहेल्दी होती है। हल्के हाथ से मलाई को हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। मलाई को मैंने मिक्स कर लिया है, इसे लिड से कवर करके 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए और सब्जी ने ऑयल को रिलीज कर दिया है। बस इस स्टेज पर हम इसमें डाल लेते हैं खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेते हैं धनिए और गरम मसाले को हमारी ग्रेवी में। घर के बेसिक मसालों से बहुत ही टेस्टी हमारा पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे कर लेते हैं गर्मा गर्म सर्व। आप इसे रोटी, परांठा या फिर राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।